चंदन जी ने कहा, ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश की जो जो मूल पहचान है लोकतंत्र की, उसको स्थापित करने की बजाय कविता में अपने भाषण की बात करता है। उसे मालूम नहीं कि मक्खन पे लकीर खींचना कोई पुरुषार्थ का काम नहीं है। पुरुषार्थ का काम पत्थर पर लकीर खींचना है, ठीक वैसे ही जैसे सुबह सुबह सूरज का उगना उतना आसान नहीं है जितना कि कविता का लिखना। कविता का लिखना पत्थर पर लकीर खींचना है, भाषण देना पत्थर पर लकीर खींचना नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी की जितनी विदेश यात्राएं हैं, उनको जो संदर्भ अगर आप उठा के देख लेंगे, तो उन्होंने आज तक भारत को नई पहचान दिलाने वाला कोई भाषण नहीं दिया। वो भारत में उठाए गए सवालों का जवाब विदेशों में जाकर दूसरे मंचों से देते हैं, और ऐसे मंचों से देते हैं जो मंच उनके अपने हैं। आप होगा कि भारत के जितने भी पुराने प्रधानमंत्री रहे, कुछ प्रधानमंत्रियों को तो लोकसभा के दर्शन करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन जो प्रधानमंत्री रहे और विदेशों में जाकर उन्होंने भारत की पहचान बनाई, उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है। उनको इतना फुर्सत नहीं मिलती थी विदेश यात्राओं में, इतने आमंत्रण होते थे, विश्वविद्यालयों के होते थे, वैज्ञानिक संगठनों के होते थे, कि वे इस तरह की बात करने के लिए उनके पास फुर्सत ही नहीं होती थी। लेकिन आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज ये हो गया, मैं पिछले साल एक लगातार अमेरिका में था, मैंने देखा कि वहां राष्ट्रपति, ये जो नए राष्ट्रपति हैं अभी, ये भी प्रश्नों के सवाल टालने की स्थिति में कभी नहीं रहे। अगर किसी पत्रकार वार्ता में किसी प्रेस वाले ने चलते चलते भी कोई सवाल पूछा है, तो राष्ट्रपति ने रुककर उसको कान देकर सुना और उसके जवाब दिए। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री न देश में जवाब देते हैं न विदेश में जवाब देते हैं, अपने प्रश्न खुद तैयार करते हैं, खुद उनके उत्तर देते हैं, ठीक जैसे देश में करते हैं कि महंगाई खुद बढ़ाते हैं फिर महंगाई घटा देते हैं। तो ये उनकी मॉडस ऑपरेंडी है, और उनकी राजनीति अंतरराष्ट्रीय मंचों के लायक है ही नहीं, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। क्योंकि जब आप स्पॉन्टेनियस बोल नहीं सकते, किसी भी आप किसी सवाल का सामना नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी आती हो, जरूरी नहीं है कि आपको जापानी आती हो, लेकिन आपको अपना विषय तो आना चाहिए। वहां लोग दुभाषी हैं आपके, आप सवाल करेंगे आप उनका जवाब देने की स्थिति में तो हूँ, लेकिन आपके लिए उसके लिए भी मशीन चाहिए, उसके लिए भी इसके, तो आपकी जब कोई तैयारी नहीं है तो रामलीला मैदान का भाषण हो, भारतीय जनता पार्टी की कार्य परिषद का भाषण हो, या जापान में गुजरात में जो बीच आपने जो भाषण अभी दिया कि मक्खन पर लकीर खींचने के संस्कार, आप मक्खन आपने खाया कब भाई? आप एक तरफ तो चाय की और अपनी पुरानी संस्कृति बताते हैं, और दूसरी तरफ मक्खन पर लकीर खींचने की बात करते हैं। किसने सिखाया आपको? इस देश में जो बहुसंख्यक वर्ग है वो पत्थर पर लकीर खींचता आया है, और यहाँ के शिलालेख इस बात के गवाह है। यहाँ के शिलालेख में आप आजादी के 75 साल के शिलालेख देख लीजिए, पंचवर्षीय योजनाएं गवाह है यहाँ की, हिंदुस्तान का विकास कैसे हुआ। यहाँ की जो हमारी नवरत्न कंपनियां थी वो इसका, वो पत्थर की लकीर है, मक्खन की लकीर तो आप खींच रहे हैं कि आप रातों रात पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा देते हैं, रातों रात जब आपकी मर्जी होती तो 6-7-8 रुपया कम कर देते हैं। यही राहुल गांधी विदेश में आपके लिए कोई प्रश्न खड़े करते हैं, आपकी हवा निकल हो जाती है। ये बहुत हल्का जुमला है मेरे दृष्टि से, लेकिन बहुत आम जुमला है कि आप प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब न हिंदुस्तान में दे पाते हैं, न हिंदुस्तान के बाहर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दे पाते हैं, और न आप भारत की छवि को निखारने का कोई जतन कर पाते हैं। तो ऐसे भाषणों से जो आज दो अकल उन्होंने जापान में दिया है, बहुत ही हास्यास्पद भाषण है, और इस भाषण की मैं निंदा, तारीफ तो करने का सवाल ही नहीं, कि निंदा करने में भी मुझे थोड़ी लज्जा। राजीव जी जी, क्या राहुल